Yes, students. Next question of line integral. Find work done. When a force F vector moves a particle in xy plane from 00 to 11 along parabola. हमने work done find करना है, ठीक है? Work done बेटा ये line integral ही होता है. Along the curve C, F vector dot dr vector. Now हमारा F vector है वो xy plane में है, clear? तो r vector हमारा क्या होता है? R vector हमारा x i cap plus y j cap. तो dr vector हमारा क्या होता है? dx i cap plus dy j cap. हमारा f vector dot dr vector क्या हो गया? x square minus y square plus x i cap minus 2xy plus y j cap dot dx i cap plus dy j cap equals to x square minus y square plus x i का component dx minus 2xy plus y j का component के multiplication j के component के साथ, clear? Now we have given along the parabola की equation है x equals to y square, clear? This implies dx क्या हो गया हमारे पास 2y dy. अगर हम x की जगह पर सभी जगह पर y पुट कर दे, dx की जगह पर 2y dy आ जाए, then सब हमारी इक्वेशन क्या है y में ट्रांसफर हो जाएगी. एंड y वेरी कर रहा है, y ये देखो हमारा पॉइंट 00 से 11 तक, ठीक है? तो हमारा सेकंड कंपोनेंट y रिप्रेजेंट करता है, तो y वेरी कर रहा है 0 से 1. हमारा लाइन इंटीग्रल बन जाएगा y वेरीज फ्रॉम 0 टू 1. x की जगह पर हमने y पुट करना है, y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx की जगह पर हमने पुट करना है 2y dy माइनस 2x की जगह पर y स्क्वायर इनटू y प्लस y dy इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 टू 1 y रेज टू पावर 4 ये कैंसिल आउट into 2y minus of 2y cube minus y dy. ये equals to हो जाएगा y equals to 0 to 1. 2y raised to power 5 minus 2y cube minus y dy. Equals to 2y raised to power 6 by 6 minus 2 y raised to power 4 by 4 minus y square by 2 limits 0 to 1. Now this equals to 2, 3 is 1 by 3. Upper limit put ke y raised to power 6 mein 1, lower limit put ke 0 minus 2 here 4. 1 by 2, 1 minus 0 minus 1 by 2, 1 minus 0. Equals to 1 by 3 minus 1 by 2 minus 1 by 2 equals to 1 by 3 minus 1 equals to 3. 1 minus 3 equals to minus 2 by 3. This is our answer for work done. Clear? Now next question dekhte hain hum. Find circulation of F vector around curve C where F vector equals to Y I cap plus Z J cap plus X K cap and C is curve
x square plus y square equals to 1, z equals to 0. हाँ जी बेटा, हमने सर्कुलेशन ऑफ f फाइंड करना है, इसका मतलब हमने लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है अलोंग द कर्व c. क्लियर? वेयर f वेक्टर हमारे पास दिस गिवन है एंड c कर्व हमारे पास क्या गिवन है बेटा, देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है एंड z कंपोनेंट 0 है, तो ये xy प्लेन में एक सर्कल है. क्लियर? तो हम सर्कल को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में पुट कर सकते हैं. तो पुट x इक्वल्स टू r, रेडियस होता है, रेडियस हमारे यहां पर 1 है, तो cos थीटा, y इक्वल्स टू sin थीटा, ठीक है. तो dx इक्वल्स टू आ गया माइनस sin थीटा d थीटा एंड dy इक्वल्स टू आ गया आपके पास cos थीटा डी थीटा, एंड थीटा वेरी करेगा 0. देखो पूरा सर्कल है, पूरा 360 डिग्री का सर्कल है, तो थीटा वेरी करेगा 0 से 2 पाई. ठीक है बेटा, तो हमारा ये लाइन इंटीग्रल बन जाएगा थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 पाई एफ डॉट डी आर वेक्टर बाय डी थीटा टू डी थीटा. ठीक है, ना हमारा आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर हमारा होता है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के क्या, जेड हमारा जीरो ही है, तो डी आर वेक्टर हमारा क्या होगा डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के. तो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस साइन थीटा डी थीटा आई के प्लस कॉस थीटा डी थीटा जे कैप. क्लियर? तो एफ हमारा क्या बन जाएगा, एफ हमारा बनेगा एफ वाई आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स पी कैप इक्वल्स टू वाई की वैल्यू हमारे पास साइन थीटा आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस एक्स कॉस थीटा के कैप. तो ये बन गया आपके पास इंटीग्रल थीटा इक्वल्स टू जीरो टू टू पाई एफ वेक्टर मीन्स साइन थीटा आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप डॉट प्रोडक्ट विद माइनस साइन थीटा I cap plus cos theta J cap d theta equals to theta equals to 0 to 2 pi. Now I का component sin theta minus sin theta minus sin square theta. 0 J का component 0, cos theta means 0 and then K का component cos theta. और इधर हमारे पास k का कंपोनेंट नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर जीरो z की वैल्यू जीरो थी तो हमने लिए नहीं था. थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लेते हैं थीटा इक्वल्स टू जीरो टू टू पाई साइन स्क्वायर थीटा होता है वन माइनस कॉस टू थीटा बाय टू वन माइनस कॉस टू थीटा बाय टू हम वन बाय टू थीटा लिखते हैं डी थीटा इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू थीटा माइनस कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा साइन टू थीटा बाय टू जीरो टू टू पाई इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू टू पाई माइनस वन बाय टू साइन टू इंटू टू पाई माइनस जीरो प्लस साइन जीरो माइनस वन बाय टू टू पाई माइनस वन बाय फोर वन बाय टू साइन फोर पाई कितना होता है बेटा जीरो साइन फोर पाई जीरो साइन जीरो भी जीरो. तो ये आ गया आपका माइनस वन बाय टू इंटू टू पाई टू साथ में कैंसिल माइनस पाई दिस इज अवर आंसर.
होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. थैंक यू.